दे रही हूँ मुर्शी भाई को। हाँ माए परवा सलून है ना। हाँ परवा सलून 4 नंबर पर आए। इससे पहले मैं आई थी ना तो आपके काम हो रहा था माशाल्लाह। और ये किधर है 4 नंबर पे। हाँ जी, अगर किसी को भी तैयार होना है, दुल्हन बनना है, पार्टी मेकअप करना है, डिस्काउंट भी देती हैं और इनके सलून आए। और मैं अक्सर पार्टी मेकअप यहाँ से करवाती हूँ, है ना। मेरे रेफरेंस आएंगे, डिस्काउंट मिलेगा मुझे। नहीं आप लोगों को जो भी आएंगे आप लोगों को भी डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पर आएँ। और मैंने अभी बनाई है अपनी आईब्रो, बड़ी अच्छी बनाई है आईब्रो। आप कौन हो, आपकी मामा है वो। हाँ देखें यहाँ की ओनर है छोटी सी ये। चलो ठीक है हम घर चलते हैं। नहीं पहले से अच्छा हो गया आपका सलून। चले ठीक है मैं जा रही हूँ। और अभी हमने शादी के दो इवेंट करने हैं ना, इवेंट में जाना है तो आज बस आईब्रो बनवाई हूँ, फिर आपके आऊँगी फेशियल वेशियल करवाने। ठीक है। और हाँ सब चीज़ में डिस्काउंट देती हूँ ये, है ना, फेशियल भी करती हूँ सब करती हूँ ना फेशियल। और किसी दिन ये अपनी ब्राइड बनाएंगी ना तो मैं आपके आऊँगी तो शूट करूँगी तो अपने व्लॉग में डालेंगे। और ये हैदराबाद 4:15 लगता है, 4:15 परवा सलून है। और डिस्क्रिप्शन में अगर लिंक डाल दूंगी आपका एड्रेस ना। ठीक है चलिए ठीक है, मैं अभी जा रहे हैं आपके सलून से। ठीक है पैसे देने का भी भूल जाऊँ। चलिए ठीक है घर जाके मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल, आज मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बनाने वाली हूँ देखें ये वाली सब्ज़ी, ये देखें ये मैंने इसको अच्छी तरह जो है बॉयल कर लिया है। और ये देखें बॉयल हो गई है। देखें लहसुन का मैं करूँगी बघार। ठीक है लहसुन काट लिया मैंने और दूसरा लहसुन पीसा हुआ लहसुन अदरक भी डालेंगे। ये टमाटर डाल के अच्छी तरह भुनेंगे। मैंने साग डाल दिया, थोड़ा सा इसको पकने देंगे। ये देखें लहसुन अदरक भी कड़कड़ाने की अब देखें आवाज़ आने लगी। आलू, आलू के साथ ये सब चीज़ डाल देंगे। यहाँ देखें हमारा जो है पैर बिल्कुल हो चुका है, अभी सब डाल दिए इसके अंदर हमें। ठीक है और इसको हम कर देंगे ऊपर नीचे। जी भाई देखिए ये हमारी सौंधी सौंधी सी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। वो ग्वैर की फली है, फैन की फली कहते हैं आई थिंक, है ना। आलू रेडी है। ठीक है और ये अलसी के बीज। ठीक है अभी मेरे पास अलसी का पेस्ट है वो डाल दिया है। और इसमें ही मैं 1 स्पून डाल दूँगी राइस पाउडर। ठीक है लेकिन मैं चावल डालने डालने वाली थी लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा पाउडर डाल के फेस के लिए मैं फेस पैक बना रही हूँ। ठीक है गर्मी बहुत है और स्किन मेरी ऑयली है तो इससे क्लीन हो जाती है स्किन। तो किचन में जब काम करते हैं ना तो हमारी बहुत बुरी हालत होती है। इसे साइड पर मैंने अपना फेस पैक बनाने को रखा है और गर्मियाँ आ गई है ना तो फेस पैक मैं तो यूज़ करूँगी, घर में बनाऊँगी। और इसको बनाने के बाद बताती हूँ कि मैं इसको अपने हेयर पे भी यूज़ करूँगी और फेस पे भी। जी देखिए हमने 2 जगह इसको निकाल लिया है, एक मैंने फेस पैक बनाऊँगी, एक अपने बालों के लिए बनाऊँगी। ठीक है जो थोड़ा पहले हम बनाएंगे अपने फेस के लिए, और फेस के लिए जो बनाऊँगी आप देखिए उसमें मैं क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाली हूँ। ये मैंने निकाला है अपने बालों के लिए तो इसको अभी हम साइड करते हैं, पहले हम बनाएंगे अपना फेस पैक। ठीक है ये मुझे अपने चेहरे पे अप्लाई करना है, चेहरे पे लगाना है। तो ठीक है आप इसके अंदर जिसकी ड्राई स्किन है इवियन कैप्सूल डाल सकते हैं या बादाम आमंड ऑयल का थोड़ा सा चंद कतरे डाल लें और स्किन पे लगा लें। अगर वो भी नहीं है तो इवियन कैप्सूल एक डाल सकते हैं, ऑयली स्किन वाले भी डाल सकते हैं। अंदर थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करूँगी और कुछ नहीं। ये देखें और जिसकी ड्राई स्किन है वो इन सब चीज़ों में से कुछ भी ऐड कर ले, या इवियन कैप्सूल या बादाम ऑयल या कोकोनट ऑयल डाल ले। ठीक है वो मैंने देखे फेस के लिए रेडी करके रख दिया है। अब मैं रेडी कर रही हूँ बालों का। ये देखें जिस तरह मैंने हाथ पे लगाया ना इसी तरह मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। इसको मैंने कुछ भी नहीं छाना, कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही बॉल में निकाल दिया और अपने हाथ पे देखे अप्लाई कर रही हूँ। इस तरह मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, ये स्किन को टाइट करेगा, स्किन टाइट होगी आपकी, रिंकल ख़त्म होंगे, झुर्रियाँ ख़त्म होंगी। ठीक है ये बना रही हूँ, ये बालों के लिए बना रही हूँ।
एक रेमेडी में दो दो फायदे। अब देखें इसमें मैंने कोकोनट ऑयल डालूंगी, ये देखें कोकोनट ऑयल डालना है इसके अंदर, ये रहा 1 चम्मच भर के इसमें कोकोनट ऑयल डाल दें, आपके बालों को तेल भी ऑयल भी पहुंच जाएगा। और ये लगा लें, तकरीबन 30 मिनट तक लगाने दें और अच्छी तरह मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको सब इस इतना ही गाढ़ा बनाना है और फिंगर की मदद से उठा उठा के अपने बालों पे इसको लगाना है, रूट से लेके नीचे तक, कि आपके बाल को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बाल लंबे करेगा, स्ट्रेट करेगा, शाइन करेगा आपके बाल। और स्ट्रेटनर की ज़रूरत नहीं होगा, हफ्ते में 3 दफ़ा ये यूज़ कर अपने बालों पर, फिर अपने बालों की ग्रोथ देखें। और दोनों बालों को मैंने 2 पोर्शन में लेके इसमें लगाया अच्छा खासा, और कॉम की मदद से सबको अच्छी तरह एक जगह कर लूँगी, स्ट्रेट कर लूँगी, और बाल आपके बहुत प्यारे हो जाएंगे कि आप स्ट्रेटनर करना भूल जाएंगे अपने बालों पे। फिर कमाल देखें, सिर्फ आपकी ये रेमेडी जो बालों में भी यूज़ करते हैं सकते हैं और फेस पर भी। देखें जी, देखें फेस पर भी हमने हल्का हल्का मसाज कर लेना है। फिर और हम अपना व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, और आज मैंने जो रेमेडी यूज की अपने फेस पर, अपने हेयर पे, बालों पर, और बालों का रिजल्ट देखें, देखिए पूरे बाल जो है स्ट्रेट हो गए, ये देखें। अच्छा, जो मैंने बालों पे रेमेडी यूज की ना, तो उसके लिए मैंने कोकोनट ऑयल डाला था, और जो फेस पे यूज किया था उस पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाला था, फेस पर अप्लाई किया था, और फेस की स्किन भी बहुत जबरदस्त हो गई है। हाँ जी भाई, बाल बहुत अच्छे हो गए, और आई एम हैप्पी कि ना बाल आपको स्ट्रेटनर करना पड़े, और घर में ही सिर्फ 2 ही चीज़ों से अलसी के बीज का पाउडर ले लें, अलसी के बीज लें, और चावल होते हैं ना, जौन से भी चावल हो, कंकी चावल हो, अब आपके पास, अगर मेरे पास अभी पाउडर था और एलोवेरा जेल और अलसी के बीज का पाउडर था, ठीक है, दोनों को मैंने अच्छी तरह पका लिया, पकाने के बाद अपने बालों पे लगा लिया। लेकिन आपके पास घर में पाउडर ना हो ना, तो अलसी के बीज हो वो ले लें 1 चम्मच, और 1 चम्मच ले लें राइस चावल ले लें, जो सभी चावल उसको अच्छी तरह पका लें, ठीक है, पकाने के बाद उसको मलमल का कपड़ा लें और छान लेना, निचोड़ लें, फिर उसको ये करना होगा 2 बॉल में निकाल लें। ज्यादा अगर है ना, तो आप ऐसा करें, एक आप फेस के लिए रख दें और एक अपने बालों पे लगाने के लिए रख दें। अभी मैंने दोनों बनाए थे, बालों पे भी लगाए, अपने फेस पे भी अप्लाई किया है। फेस पे लगाने के लिए उसमें आप एलोवेरा जेल डाल लें या फिर इवियन का कैप्सूल डाल लें, ठीक है। मेरी स्किन थोड़ी ऑयली है ना, तो मैंने इवियन कैप्सूल नहीं लिया, और इसमें आप बादाम ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने इसमें अभी इस वक्त एलोवेरा जेल लिया है। और जिसकी स्किन ड्राई है ना, तो वो बादाम ऑयल होता है ना, थोड़ा सा डाल लें, या इवियन कैप्सूल भी डाल सकते हैं, और ऑयली स्किन वाले भी इवियन कैप्सूल डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी खुद ही डाला, गर्मी है ना तो स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। अच्छा, इस तरह आप अपने चेहरे पे भी लगाइए और पैच, और बालों पे भी लगाएं, बाल बड़े स्ट्रेट हो जाएंगे, और बालों के लिए कोकोनट ऑयल डाल लें उस पैच में, सब आपको दिखा दिया है, और इस तरह अपने बालों पे अप्लाई करें। और फिर आधे घंटे के करीब मैंने थोड़ा भर के 1 कप पानी रखा, तो हल्का अच्छा खासा खुश्क हो गया, उसको निकाल लिया, जो बालों में अप्लाई किया कोकोनट ऑयल डाला, जो मुंह पे लगाया उसमें एलोवेरा जेल डाल के लगा लिया। तो मेरा फुल वो लोग वॉच करेंगे ना, तो आपके समझ में आ जाएगा, बाल देखें, बाल कितने हसीन हो गए कि आपको कहीं भी जाएं शादी में बाल स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है, और चेहरे पे ये लगा लें आपने, आपको फेशियल करने की जरूरत होगी, और आप ये कमाल देंगे। और अलसी के बीच का राइस पाउडर का इतना कमाल है कि आप भी सोचेंगे कि हमने क्या लगा लिया, इतनी सस्ते बजट में मैंने आपको बहुत कमाल की चीज बता दी। तो चले बस, ठीक है, जब मेरा व्लॉग स्टार्ट करें तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट्स कर दें, और इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट व्लॉग में आपकी सिस्टर जल्द मिलेगी। अब बोलो लाइक करें, बोलो बोलो लाइक करें, जोर से लाइक करें, नेक्स्ट व्लॉग में जल्द मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।